देख सकते हैं ये सारा, इतने सारे बाप रे बाप। भाई साहब अभी एक्सरे होगा भाई, देखो। तो गाइस फाइनली डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने अभी कुछ कुछ लिख के दिया है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज के ब्लॉग में रूम से शुरुआत करने वाला हूं। और गाइस अभी फिलहाल टाइम हो रहा है, 10 बज चुका है सवेरे का और जस्ट नाउ आपका भाई अभी उठा है। तो ना गाइस अभी फिलहाल तबीयत तो बहुत ही खराब चल रहा है ना गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं मेडिकल जाऊँ, सिलीगुड़ी मेडिकल। तो फिलहाल रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, कुछ ज़्यादा हो जाएगा खांसी ना तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा ना हो तो अभी जल्दी से जाते हैं मेडिकल और डॉक्टर को दिखाते क्या होता है क्या नहीं। और आज उस जुम्मा भी है तो जाके जल्दी से भी आना है मुझे। तो गाइस प्लीज़ ब्लॉग बने रहना, ठीक है ना। फाइनली सिलीगुड़ी के मेडिकल में पहुंच चुका हूं और ये रहा मेन गेट, ये मेन गेट। और यहां पे आपका दो रास्ता है, इस साइड भी एक है और इस साइड भी है, तो मुझे जाना पड़ेगा इस साइड। और इस साइड पे जाके डॉक्टर का चैम्बर मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है मेडिकल। कितने सारे लोग आए भाई, और जितने भी लोग आए ना गाइस सारा का बीमारी है, तब ना जाके मेडिकल आया हुआ है। देखो साइड पर देखो एम्बुलेंस वगैरह रखा हुआ है, दुकान वगैरह भी लगा हुआ है, जूस का कपड़ा का कुछ दुकान भी लगा हुआ है। भाई साहब आज 5-6 साल के बाद ही मेडिकल आ रहा हूँ ना, तो वो थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं मेडिकल आया नहीं था, तो आज ऐसे मौका ही मिल गया मुझे मेडिकल आने के लिए। तो ना गाइस अभी फिलहाल लोग को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि भाई अंदर जाके मुझे डॉक्टर का चैम्बर ढूंढना पड़ेगा और डॉक्टर से बात करना पड़ेगा और देखते हैं डॉक्टर क्या सलाह देता है। आई थिंक जो भी होता है तो वह सही के लिए होता है। और दिल तो बोल रहा है कि भाई कुछ हुआ नहीं है ऐसे कुछ। और गाइस देख सकते हैं ये है मेरा ड्रैगन, को यहाँ पार्क कर दिया मैंने, ये भी मार्क्स भाई साहब एक मास्क भी ले लिया भाई, मेडिकल माने से मास्क जरूरी है ना भैया। थैंक यू भैया, मास्क भी लगा लिया भाई, मेडिकल माने से मास्क भी लगाना जरूरी होता है। तो भाई डॉक्टर चैम्बर किधर है, इधर पे किधर जाना है? चैम्बर आपका चेस्ट का वो दिखाना है सर, चेस्ट का पूछना पड़ेगा, इंक्वायरी पूछना पूछना पड़ेगा ना। इंक्वायरी किधर है? थैंक यू भैया। भाई क्राउड चेक करो भाई साहब, मुझे भी लाइन पे लगना पड़ेगा शायद, पहले काउंटर पे जाके मैं पूछता हूँ। गाइस फिलहाल अभी तो लाइन पे लगे हैं, देख सकते हैं ना ये मेरा लाइन और इस साइड पे आपका फीमेल का लाइन। तो यहाँ से फिलहाल अभी मुझे टिकट लेना पड़ेगा, मैं भी 22 नंबर ही हूँ। मुझे तो लगता है आज 22 नंबर हम लोग को भाई शाम करने वाला है भाई, भीड़ देख के भाई उसे लग रहा है। देखो भाई भीड़ देखो सब, फाइनली 22 नंबर मिल गया भाई, ये रहा 22 नंबर। अभी हमको इस साइड जाना पड़ेगा भाई, क्या ही बताए सब, 22 नंबर तो मिल गया है ना, लाइन पर भी लगना पड़ेगा भाई। कितना लंबा लाइन है, ज़्यादा नहीं है? हाँ यहीं पर खड़ा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर तो अभी है अंदर में, देखता है क्या बोलता है। A few moments later. So guys, finally डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने अभी कुछ कुछ लिख के दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे एक्सरे करना पड़ेगा, एक्सरे के बाद आपका ब्लड टेस्ट कुछ कुछ टेस्ट भी करना पड़ेगा और मेडिसिन भी लिख के दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक्सरे करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं, देख सकते हैं ये सारा, इतने सारे बाप रे बाप। भाई साहब अभी एक्सरे होगा भाई, देखो। और आपका भाई जो एक्सरे का लाइन पे 12 बजे लगा था, तो लगभग 2.5 घंटा हो चुका और फिर जस्ट नाउ आपका भाई का एक्सरे हो चुका है। बट जो रिपोर्ट है एक्सरे का मैं भी सोमवार तक देगा बोला है, वो आज है फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, इट मे भी 3 डेज वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 डेज के बाद पता चलेगा कि आपके भाई को हुआ क्या है, इस चेस्ट में हुआ क्या है, ठीक है ना। और आज फिलहाल तो हम बाहर पे जा रहे हैं भाई क्योंकि भूख भी लगा है, तो रोज़ा भी रखे भाई, कुछ खा भी नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, सही है। मैं पीछे से ये लास्ट एंट्री गेट है ही ना, ख़त्म बोला भाई, तो फिर रखा था पहले तो मैं TNT कराया था, तो TNT का रिपोर्ट भी आ गया, दवा हुआ कुछ लिख के दिया, गला के अंदर में टॉर्च मार के मैं टॉर्च लगा के देखता है कि क्या हुआ क्या नहीं, उसका भी दवा दिया। और डॉक्टर बोला कि थोड़ा गर्म पानी से कूला करने के लिए, और साथ ही साथ एक्सरे भी करा लिया भाई। एक्सरे करने में थोड़ा टाइम लग गया भाई, बहुत ही वक्त लग गया भाई।
एक्सरे करने में लगभग मुझे 3 घंटा लग गया और 3 घंटा मैं लाइन पर खड़ा था। तो उसके बाद मेरा एक्सरे हुआ और एक्सरे भी हुआ, बट रिपोर्ट तो आज मिला नहीं मुझे। डॉक्टर ने बताया कि सोमवार तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगा और रिपोर्ट मिलने के बाद ही बता सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है ना। और गाइस एक चीज़ में तो भूल ही गया कि मेरा बाइक किधर में पार्किंग किया था। मैं आगे गया था, पीछे किधर से पता ही नहीं चल रहा, मैं पीछे साइड आ गया ना आगे साइड आ गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। उधर है शायद। सो गाइस पहले पहले तो बहुत ही डर लगा था और एक टेस्ट बाकी रह गया गाइस, ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट मैं आज कराऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और लाइन पे भी खड़ा रहना पड़ता है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्राइवेट में ब्लड टेस्ट करा लूँगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा भाई। अगर आपको मेहनत ना करना पड़े तो थोड़ा बहुत खर्चा करना ही पड़ेगा। खर्चा मैं नहीं करता गाइस, मेन बात है ना, मैं ड्यूटी भी है अभी, 3 बज चुका है, 1 घंटा है, 1 घंटा में ड्यूटी भी चला जाऊँगा ना, तो उसी वजह से। और यही साइड था आई थिंक सो, अच्छा यही था, उधर पर रखा था मेरा बाइक। सही है भाई, 1 सेकंड के लिए मैं डर गया था भाई, बाइक नहीं चला मुझे भाई, सच्ची बता रहा हूँ। यार इस ड्रैगन अभी घर के लिए निकलेंगे भाई, लेट भी हो रहा है और वीडियो भी अपलोड करना है मुझे भाई। तो भाई चलते हैं, ठीक है ना। तुम लोग भी बने रहना और दुआ करते रहना भाई, आपका भाई जल्दी ठीक हो जाए भाई। कितना सारा टेबलेट लिख के दिया भाई, देखो मतलब टेबलेट खा खा के ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। देखो 1 पर्ची, 2 पर्ची, 3 पर्ची और 4 पर्ची भाई, 4 पर्ची है भाई फिलहाल। आज कर दूंगा टेबलेट सारा, बहुत सारा टेबलेट लिख के दिया भाई डॉक्टर साहब, क्या ही करें भाई, खाना पड़ेगा सही होने के लिए। डॉक्टर ने भी धमकी भी दिया भाई, 2 साल हो गया आपने इलाज क्यों नहीं कराया, वैसे वैसे बोला। मुझे पता था धमकी देने वाला था क्योंकि भाई 2 साल तक खांसी होना गलत बात है ना, मैं भी ध्यान नहीं दिया बीच में, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं सर, सॉरी उसके लिए, अभी इलाज सही से कर दीजिए। वो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस इलाज चालू रखोगे, बस इतना ही बोला। और सोमवार को रिपोर्ट मिलेगा सर, ब्लड टेस्ट में मैं भी कल को कराऊंगा ब्लड टेस्ट, ठीक है। अभी भाई जाते हैं, बहुत ज़्यादा बात बोल लिया, तो भाई एक बार शाम को शहरी में मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों में बाय बाय। सुनो गाइस फाइनली आपका भाई आ चुका है रूम पे, और रूम पे आने के बाद नहा भी लिया है और आज फिर जाएंगे ड्यूटी।